हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा आज की लास्ट क्लास है। इसमें आपने जितनी वीडियो मैंने पहले बनाई है वो देखी होंगी। रिमाइंडर थ्योरम पे बनाई हुई है। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन किए थे हमने। जैसे मैंने पहले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बेसिक करवाया था, ठीक है। फिर बेसिक से थोड़े पावर के क्वेश्चन पे आए थे। फिर अंतिम के अंक निकालना, अंतिम के 2 अंक निकालना, अंतिम के 3 अंक निकालना, ठीक है। फिर फर्मट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, साइक्लिस्ट थ्योरम, ये सारी चीज़ें की थी। लास्ट वाली वीडियो में बच्चों आपने देखा हो तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन क्या था? 143 की पावर 321 और बटे में 5। मैंने आपसे बच्चों शेषफल पूछा था। क्या पूछा था बच्चों मैंने आपसे? शेषफल। अब मैंने कहा था इसका आंसर जरूर देना, कमेंट सेक्शन में छोड़ना। पिछले ही क्वेश्चन करवाए थे, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर आते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सोल्व करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट करते हैं इसमें हम। जैसे बच्चों मैंने कहा, आप ये देखो 143 के पास क्या जाता है, 5 से पूरा पूरा भाग, पूरा कंप्लीट डिवाइड क्या जाएगा? तो 140 कंप्लीट डिवाइड जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 140 तो 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा ना, रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? जीरो छोड़ेगा बच्चों। तो 140 से क्या है, 3 ज़्यादा है, तो ये प्लस 3 हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, मैंने समझा रखी है ये सारी चीज़ें कि जो पावर होगी वो किसकी हो जाएगी, शेषफल की। तो प्लस 3 की पावर कितनी होगी बच्चों? 321। और एक चीज़ और सिखाई थी बच्चों मैंने आपको, सारी ये चीज़ें लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, पूरी वीडियो देखना है, एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि जब भी आपका शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए तो आप उसे क्या करोगे, दोबारा भाग करोगे। रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से कभी भी बच्चों बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से भाग करता हूँ। क्लियर है? एक तो मैंने तरीका बताया बच्चों कि आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हो, या फिर मैंने बताया था एक बेसिक तरीका क्या होता है, एक साइक्लिस्ट थ्योरम होती है। जैसे मैं लिखूं कि 3 की पावर 1 है, इसको भाग करो आप 5 से, तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। क्लियर है? अगर मैं 3 है, 3 को 5 से भाग करूंगा तो शेषफल 3 आएगा, ये चीज समझा चुका हूँ। इसी तरह 3 की पावर 2 है, इसको अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो 9 हो गया। 9 को 5 से भाग करोगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर 3 की पावर 3 है तो क्या बनेगा बच्चों? 27। 27 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 × 5 = 25, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं 3 की पावर 4 करूं बच्चों तो कितना हो गया? 81। और 81 को जब मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। अब मैंने अच्छे से आपको ये चीज समझाई थी बच्चों कि जहां पे भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, जहां पे भी शेषफल 1 आ जाएगा, समझ जाना उसके बाद रिमाइंडर क्या होने लग जाएगा बच्चों? रिपीट होने लग जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 3 की पावर 5 को 5 से भाग दूंगा तो आप रिमाइंडर कह सकते हो क्या आएगा बच्चों? 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3। इसका मतलब जहां पे भी शेषफल 1 आ जाएगा उसके बाद बच्चों रिमाइंडर जो है, शेषफल क्या है, रिपीट शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर में 4 में बच्चों शेषफल क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देता हूं कि 3 की पावर 4। अब क्या 321 भाग होता है बच्चों 4 से? नहीं होता, क्योंकि 21 देख लो, 21 4 से नहीं होता। तो 21 के पास क्या होता है? 20। इसका मतलब 320 पूरा पूरा भाग होगा। तो 4 × 8 = 32, 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन गया? 8 × 4 = 32, 320। और पावर कितनी बच गई? 3 की पावर 1। समझ में आया बच्चों? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इसी चीज को। 143 को 5 से भाग किया तो 140 पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 3 आया। 3 की पावर 321 लिखा, बड़ा है तो दोबारा भाग किया। 3 की पावर 1 को 5 से भाग करूंगा तो शेषफल 3 आएगा बच्चों। 3 की पावर 2 को 5 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 4। इसी तरह 3 की पावर 3 को तो शेषफल 2, 3 की पावर 4 को तो शेषफल कितना? 1। और मैंने बताया था बच्चों जहां शेषफल 1 आ जाए वहीं पे शेषफल क्या हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 3 की पावर 4। अब 321 तो पूरा पूरा भाग होता नहीं, लेकिन 320 तो होता है। तो कितना बन गया? 3 की पावर 4, 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 320 बन जाएगा, लेकिन पावर कितनी है? 321। तो एक पावर बच गई, वो मल्टीप्लाई में लिख दी। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। क्लियर है? अब आपको पता है 3 की पावर 4 को 5 से भाग दूंगा तो बच्चों शेषफल कितना आ रहा है? 1। 3 की पावर 4 को 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 1। और 3 को जब मैं 5 से भाग दूंगा 3 की पावर 1, तो शेषफल कितना आएगा? 3। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो +1 × कितना बच्चों? +3। तो आपका आंसर कितना आ गया? +3 क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा। क्लियर है? आया समझ में? मैंने बताया बच्चों बेसिक तरीके से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन अगर साइक्लिस्ट थ्योरम पे इसे अप्लाई कर रहे हो आप
तो मैंने ये तरीका समझाया था आपको, तो इजी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। क्लियर है? सारी थ्योरम की थी बच्चों हमने, इसमें एक लास्ट थ्योरम और करते हैं हम, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन थ्योरम, उसको समझते हैं। एचएसएससी ने भी क्वेश्चन पूछे, एसएससी में भी उससे क्वेश्चन आए हैं, तो वो ट्राई करते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है एलजेब्रिक थ्योरम, जो हम ये पढ़ते हैं एलजेब्रिक थ्योरम में। पहले मैं क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ आपको, फिर मैं समझाता हूँ इस थ्योरम क्या होती है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन जनरल फॉर्म में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों एग्जाम के अंदर कि x की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7 को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है बच्चों, जिस भी नंबर से भाग दे रहा हूँ मैं, जो डिवीजर है भाजक है x माइनस 2, उसको हम इक्वल टू किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के। याद रखना ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन थ्योरम में आपको क्या करना है, जो भी जिस नंबर से मैं भाग दे रहा हूं उसको बराबर इक्वल टू क्या रख दोगे बच्चों, 0 के रख दोगे। यहां से x का मान आ जाएगा माइनस का 2 है तो बच्चों उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। क्लियर है? आया समझ में? अब जो भी x का मान यहां से आ जाता है वो x का मान इसके अंदर पुट कर देना है। क्लियर है? ये इक्वेशन क्या है, अगर मैं मान लो इसको फंक्शन भी मान सकता हूं, जैसे कोई फंक्शन मान लिया मैंने, ये दे दिया है, तो इसको क्या लिख दिया, x की क्यूब प्लस में 5x केयर और प्लस में कितना बच्चों, 7 है। क्लियर है? अगर मैं पहले, सबसे पहले मैंने बताया जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो x माइनस 2 है तो इक्वल टू 0 रखो, और x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से 2 आ जाएगा। अगर मैं ये 2x का यहां रखता हूं और ये fx बराबर 0 आ जाता है तो बच्चों ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर क्या छोड़े, 0। अगर ये x रखने पर रिमाइंडर 0 ना आए, कुछ भी आए, तो वो क्या होगा बच्चों, हमारा शेषफल होगा। जैसे मैंने यहां पे रख दिया f इज x की वैल्यू 2 रख दी, तो इसमें 2 पुट करो बच्चों, 2 का क्यूब प्लस में 5 गुना में 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना, 7। समझ में आया? बिल्कुल इजी सी है। एक क्वेश्चन करवाया, फिर मैं इसकी जनरल फॉर्म समझाता हूं आपको। क्वेश्चन ये था कि x की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7 को x माइनस 2 से भाग करो। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों कि आप जो जिस नंबर से भाग दे रहे हो उसको इक्वल टू 0 रख दो, x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ये 2 जो x का मान आया वो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम, और जो भी मेरी वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू 0 आती है बच्चों तो वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, अदरवाइज जो भी बचता है वही क्या होगा, मेरा शेषफल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बचेगा बच्चों, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 प्लस में 5 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में कितना, 7। तो बच्चों ये कितना हो गया, 8 प्लस में 5 ओके 20, 20 और ये कितना हो गया, 27। क्लियर है? 7, तो 20 और 7 कितना हो गया बच्चों, 27, 27 में 3 जोड़ा 30 और कितना बन गया ये, 35। तो बच्चों 35 क्या होगा, मेरा आंसर होगा, शेषफल क्या होगा, 35 होगा। समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एलजेब्रिक एचएसएससी ने भी क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, एचएसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7 को अगर मैं x माइनस 2 से भाग दूं, क्लियर है, तो हमें क्या करना है, तो रिमाइंडर पूछा है क्या है, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या रख दिया बच्चों मैंने, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। अब जो भी x का मान आएगा वो इस फंक्शन में हमें पुट कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी, अगर 0 आती है तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, अदरवाइज जो भी बचता है वही क्या होगा, मेरा शेषफल होगा। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो 2 की क्यूब प्लस में 5 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस में 7, तो बच्चों ये कितना आ गया, 35। इसका मतलब x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 को x माइनस 2 से भाग करूंगा तो मेरा शेषफल कितना आएगा, 35 आएगा। क्लियर है बच्चों? इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा जनरल फॉर्म में समझाता हूं, ये थ्योरम कहती क्या है, ऐसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अब ध्यान से समझना बच्चों, जिसको जनरल फॉर्म समझनी है, एलजेब्रिक थ्योरम क्या कहती है कि हम ये कहती है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन दिया जाए बच्चों, आप f से भी डिनोट कर सकते हो, इसे p से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे मैं पॉलीनोमियल चैप्टर बहुपद में पूरा समझाऊंगा आपको, ये इसको p से भी लिख सकते हो, fx से भी, fx कुछ भी हो सकता है बच्चों, fx में कोई डिग्री नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी, जैसे 1 है 2 है 3 है, कितनी भी पावर हो सकती है fx के अंदर, कुछ भी मान लियो। मैं जैसे मान लिया मैंने ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं बच्चों यहाँ डिग्रियां नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लीनियर होगी, क्वाड्रिक होगी, कुछ भी हो सकता है, वैसे मैंने ले लिया एफ एक्स, ये ले लिया। अभी ये कह रहा है कोई भी एफ एक्स है अगर उसको मैं एक्स माइनस ए से डिवाइड करूं, क्लियर है? कोई भी एफ एक्स है अगर मैं उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करता हूं, समझ में आया?
एलजेब्रिक इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन है जैसे मैंने ये ले लिया, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी डिग्री में हो सकता है, अगर उसको x माइनस ए से मैं डिवाइड करूंगा तो एलजेब्रिक थ्योरम कहती है कि आपका जो रिमाइंडर होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, एफ ए ही होगा। क्या होगा बच्चों? एफ ए आपका क्या होगा, हमेशा शेषफल होगा। समझ में आया बच्चों? मैंने क्या कहा, कोई भी फंक्शन दिया जाए उसको x माइनस ए से भाग किया जाए, क्लियर है, तो हमेशा एफ ए क्या होगा बच्चों, आपका रिमाइंडर होगा, क्लियर है। और आपको करना क्या है, x माइनस ए इक्वल टू हमेशा क्या रखना है, जीरो, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है a। समझ में आया? क्लियर है। x माइनस ए इक्वल टू क्या रखना है बच्चों, जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा। अब ये a इसमें हम पुट कर देंगे, तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये एफ ए बन जाएगा बच्चों। x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, a रख दी, x बराबर क्या आ गया, a, तो एफ ए, और यहां पे रखूंगा तो मैं a गुणा में बच्चों ए स्क्वेयर, और प्लस में b गुणा में a प्लस में c। क्लियर आया समझ में? मैंने वैसे समझाने के लिए आपको एक जनरल फॉर्म ले ली, यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो दोबारा से समझो इस चीज को, कोई भी अगर फंक्शन दिया जाए और उसको x माइनस ए से भाग किया जाए, क्लियर है, तो हमेशा आपका शेषफल क्या होगा बच्चों, एफ ए ही होगा। अगर x माइनस ए बराबर जीरो रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, a रख, x की वैल्यू रखने पे अगर ये एफ जो a है वो जीरो आ जाए तो वो पूरा पूरा भाग करेगा, अदरवाइज जो भी बचेगा वो क्या होगा, आपका शेषफल होगा। क्लियर है? समझना अच्छे से, क्वेश्चन करेंगे इन पे समझ में आएगा। अभी मैंने पिछले वाला क्वेश्चन करवाया, जैसे उसमें x माइनस दो से भाग किया था, तो x माइनस दो इक्वल टू जीरो रख के x की वैल्यू कितनी आ गई थी, दो, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया था, दो, तो x की जगह दो रखते जो भी मेरा 35 आया था वो क्या आया था बच्चों, शेषफल आया था। तो यही थ्योरम है, बस यही कहती है कि अगर किसी फंक्शन को आप x माइनस ए से भाग करोगे तो हमेशा आपका शेषफल क्या होगा बच्चों, एफ ए ही आएगा। आपका शेषफल कितना आएगा, एफ ए। क्लियर है? तो आपको x माइनस ए बराबर जीरो रखना है, एक x की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, समझते हैं थोड़ा और अच्छे से इसको। इसी तरह बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में सात एक्स प्लस में पंद्रह, क्लियर है। अगर मैं एक बार डिटेल से मैं समझा रहा हूं आपको सारा क्वेश्चन में, मैंने कहा एक फंक्शन दिया आपको एफ एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस में सात एक्स प्लस में कितना बच्चों, पंद्रह दे दिया, क्लियर है। और कह रहा है एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करो तो शेषफल क्या बताओ। अब मैंने कहा था कि जो भी यहां से एक्स माइनस ए x की वैल्यू आ जाएगी, एफ ए क्या होगा आपका, शेषफल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, x माइनस थ्री इक्वल टू सबसे पहले क्या रखोगे, जीरो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन, क्लियर। अब आपको पता है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन, और मैंने बताया था मेरा रिमाइंडर क्या होगा, a का मान कितना आ गया, तीन, तो इसका मतलब मेरा एफ तीन क्या होगा बच्चों, शेषफल होगा। एफ तीन क्या होगा, शेषफल तीन। अब आपको पता है x की वैल्यू क्या रखूं मैं, तीन, यहां से एफ तीन निकाल लेता हूं, x की वैल्यू कितनी रख दी बच्चों मैंने, तीन रख दी, क्लियर है। ये चीज आ रही होगी समझ में कि एक्स की वैल्यू कितनी रख दी, तीन, तो तीन वैल्यू पुट कर दो, तीन का स्क्वायर माइनस सात गुणा में तीन और प्लस में पंद्रह, तो बच्चों ये कितना हो गया, नौ, माइनस में इक्कीस और प्लस में कितना हो गया बच्चों, पंद्रह, क्लियर है। ये कितना हो गया, 9 माइनस में 21 प्लस में 15, तो प्लस प्लस ऐड होगा बच्चों, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 में से 21 जाएगा तो 3 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 3 क्या होगा बच्चों, मेरा शेषफल होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझना। ये कह रहा है कोई वैल्यू दी गई है, फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस में पंद्रह, को एक्स माइनस तीन से भाग करोगे तो बच्चों शेषफल बताओ कितना होगा। मैंने बताया अगर कोई भी एफ एक्स है उसको एक्स माइनस ए से भाग करोगे तो हमेशा एफ ए आपका क्या होगा बच्चों, शेषफल होगा। तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तीन, ये वैल्यू पुट कर देनी है बस इसके अंदर आपको, एक्स की जगह क्या रख देना है बच्चों, तीन रख देना है, तो तीन का स्क्वेयर माइनस में सात गुणा में तीन प्लस में पंद्रह, तो तीन का स्क्वेयर कितना हो गया बच्चों, नौ, सात ये कितना हो गया, इक्कीस, और ये कितना हो गया, पंद्रह, क्लियर है। प्लस प्लस की वैल्यू एड हो जाएगी तो पंद्रह और नौ कितना हो गया बच्चों, 24, और 24 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, तीन, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, तीन। ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करने बच्चों, आपको एक एक रिमाइंडर थ्योरम का एक एक पार्ट करवाया मैंने, एक एक क्वेश्चन करवाए हैं, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो हम जरूर लेके आएंगे, आपको सारी वीडियो देखनी है, स्टेप बाय स्टेप देखनी है, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स की पावर 51 प्लस में 16 को अगर आप एक्स प्लस 1 से भाग करोगे तो शेषफल क्या होगा। आपको बच्चों जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हर बार उस थ्योरम की डेफिनेशन को रिपीट करना है।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन है या कोई पॉलीनोमियल है एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में, अगर उसको मैं एक्स माइनस ए से या वाई माइनस ए से किसी से भी डिवाइड करता हूँ तो हमेशा मेरा शेषफल क्या होगा बच्चों, एफ ए होगा। क्या होगा? एफ ए, ए की फॉर्म में। तो इसी तरह मैंने बताया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस एक को किसके बराबर रखना है बच्चों? जीरो के। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस एक। प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जैसे अकॉर्डिंग टू थ्योरम करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। अब ये इसमें पुट कर देनी है, वही मेरा शेषफल होगा। तो मेरा शेषफल क्या होगा? एक्स की पावर 51 प्लस में 16। अब एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस एक। तो मैं क्या करूँगा, माइनस एक की पावर 51 और प्लस में कितना आ गया? 16। क्लियर है? ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ। 51 सम है या विषम बच्चों? तो विषम है। तो विषम है तो बाहर क्या आएगा? जो अंदर साइन है वही सेम। ऊपर अगर सम होती, इवन नंबर होता, तो बाहर हमेशा प्लस आता, लेकिन अगर विषम है तो जो अंदर है वही क्या आएगा? बाहर। तो बाहर क्या आएगा बच्चों? माइनस एक आएगा प्लस में 16। और आपको पता है प्लस माइनस माइनस अंक बड़ा है किसका? प्लस का। तो बच्चों मेरा 15 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? एक्स में। क्लियर है ये चीज? आई समझ में? x की पावर 51 प्लस में 16 को x प्लस 1 से भाग करेंगे तो बच्चों शेषफल क्या आएगा? तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? माइनस 1 हो गया। तो रिमाइंडर कितना होगा? तो x की पावर 51 प्लस में 16, मैंने x की वैल्यू माइनस 1 रख दी, माइनस 1 की पावर विषम होगी, तो बाहर भी क्या आएगा? अंदर जो साइन है वही बाहर आएगा, माइनस 1 प्लस में 16। तो ये कितना हो गया बच्चों? 15 क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? मैं फिर वही चीजें रिपीट कर रहा हूं बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए हैं, एक एक चीज को समझो, बिल्कुल बेसिक से करो। मैंने बिल्कुल बेसिक करवाया, फिर पावर के क्वेश्चन कराए, फिर एक अंक निकालना, दो अंक निकालना, अंतिम के तीन अंक निकालना, फिर पावर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है, फिर विल्सन थ्योरम, फर्मट्स थ्योरम, साइक्लिस थ्योरम, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है अच्छे से, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और मैंने कहा था सारा मैथ करवाऊंगा बच्चों, कोई ऐसा नहीं है कि ये चार चैप्टर शुरू करवा दिए, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाया मैंने पहले वीडियो। जिस बच्चे ने नहीं देखनी है वो जरूर देखना बच्चों, पहले वीडियो से नंबर सिस्टम का बिल्कुल मैथ जहां से शुरू होता है वहां से मैंने पार्ट शुरू करवा रखा है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे, प्रैक्टिस करना है। मैंने बताया था इसी एलजेब्रिक का पार्ट हम लेके आएंगे, पॉलीनोमियल में बहुपद में फैक्टर बनाना सीखेंगे, एचसीएफ एलसीएम में वो चीज़ें काम आएगी, लेकिन एक बार रिमाइंडर थ्योरम का इतना ही पार्ट है जो मैंने इसे उठवाया है, ठीक है, वो करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, हमें क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के, इसने एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, और एक्स माइनस 2 से भाग करे तो ये कह रहा है शेषफल 2x आएगा, शेषफल कितना आएगा? 2x। क्लियर है? तो ये पूछ रहे के का क्या मान रहा होगा यहां पे। क्लियर? अब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, अगर किसी भी फंक्शन को एक्स माइनस ए से मैं भाग करूंगा तो हमेशा मेरा शेषफल कितना होगा बच्चों? एफ ए होगा। मेरा शेषफल कितना होगा? एफ ए। और ए का मान आपको पता है यहां से कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 2। इसका मतलब ये आ गया, इसका मतलब एफ 2 क्या होगा? मेरा शेषफल। और शेषफल तो इसने दे रखा है, तो इसका मतलब ये चीज किसके बराबर रखी जाएगी बच्चों? 2x के बराबर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं, समझ के करोगे तो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के है, उसको अगर x माइनस 2 से भाग करोगे तो ये कह रहा है शेषफल 2x होगा। शेषफल नहीं पूछा बच्चों इसने, शेषफल 2x होगा, तो k का मान क्या होगा ये पूछा इसने। क्लियर? तो अब मैंने बताया था अगर किसी भी फंक्शन को आप x माइनस a से भाग करोगे तो fa आपका क्या होगा? शेषफल होगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या रख दिया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका मतलब f2 क्या होगा? मेरा शेषफल होगा। और शेषफल कितना दे रखा है? 2x। क्लियर? और क्या मैं f2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे फंक्शन दिया गया है। मेरा फंक्शन क्या है? fx है। fx क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में कितना दिया है बच्चों? k। ये फंक्शन दिया है, मैं यहां से वैल्यू निकलता हूं किसकी? एफ 2 की। अब एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो बच्चों? 2 कर दो। तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 गुणा में 2 और प्लस में कितना बच्चों? के। ये मेरी वैल्यू आ गई। क्लियर है? यहां से तो 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 और 4 12। तो बच्चों ये 12 प्लस में क्या हो गया? के। क्लियर है? यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? एफ 2 की। एक्स का मान 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 प्लस में के। और इसका मतलब यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, क्या आ गई? 12 प्लस में के बराबर क्या हो गया बच्चों? 2x। क्लियर? 12x 12 प्लस में के बराबर क्या हो गया बच्चों? इक्वल टू क्या हो गया? 2x हो गया। अब आपको यहां से पता है वैल्यू निकालनी है मुझे, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या आएगा?
यहां से k का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2x माइनस में 12 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में k डिवाइडेड x माइनस 2 है, क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है अगर ये रिमाइंडर 2x कह रहा है तो k की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। अगर x माइनस 2 बराबर क्या है बच्चों, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब मैंने बताया था f2 आपका क्या होगा, शेषफल, और शेषफल कितना दे रखा है 2x, क्लियर। तो अब ये जो 2 आया है इसके अंदर पुट कर दिया मैंने, यहां से x का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 दुनी 8 मतलब 12 प्लस में k। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू रखी 12 प्लस में k, तो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2x माइनस में 12, क्लियर है, 2x माइनस 12। अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा तो 2x माइनस 12 है, अगर उसने पूरा सोल्व कर रखा है तो बच्चों आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 2, तो k इक्वल टू 2 गुणा में कितना 2 और माइनस में कितना बच्चों 12, तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 12, तो बच्चों माइनस 8 आपका क्या होगा, आंसर होगा। माइनस 8 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है तो रिमाइंडर ऐसे बता देना, अगर उसने पूरा सोल्व कर रखा है तो बच्चों ऐसे बता देना, क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना। कोई फंक्शन दे रखा है x माइनस 2 से भाग करो, शेषफल दे रखा है, k का मान बताओ, सेम वही चीज है, बराबर 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको इसमें पुट कर दो, f2 का मान आ जाएगा, f2 आपको कितना दे रखा है 2x, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, x का वैल्यू कितना रख दो 2, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, क्लियर है। बच्चों फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में, हर वीडियो में कहता हूं मैं जरूर छोड़ना, कहां समझ में नहीं आ रहा है मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और चीजों को सीखेंगे। और मैंने कहा था बच्चों अगर आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, एक एक क्वेश्चन सारे ट्राई करेंगे हम, ठीक है, एक एक वीडियो बनाऊंगा, नंबर सिस्टम पहले कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे, सारे चैप्टर करेंगे हम, क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।